देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं एरिया अंडर कर्व का है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय मॉड एक्स लेस देन 5, वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू एक्स. वाई इक्वल टू 0 लिखने से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया. वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 8 मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब इससे क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले हम समझें कि मॉड एक्स लेस देन 5 है यानी माइनस 5 से प्लस 5 है. अच्छा x इक्वल टू 5 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो एक तरह से आपके पास ये लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई. y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो गया बेटा, y इक्वल टू x मतलब ये हो गया. क्वेश्चन खत्म हो गया इतने में. कैसे? क्योंकि आपको ये लाइन मिल गई मॉड x लेस देन 5 वाली, ये वाली भी मॉड x लेस देन 5 है. तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए एक तरह से, 5.8, 5.0, 0.0, -5.8, वो सॉरी 0 और ये हो गया -5.8. अब एक तरह से अगर ध्यान दें तो ये रेक्टेंगल बन गया है, यस और नो, जिसकी ये पूरी लेंथ 10 है और ये लेंथ है एक तरह से 8. तो एरिया हो गया 80 स्क्वायर यूनिट, राइट. 10 इंटू 8 रेक्टेंगल का एरिया हो गया सीधा सीधा तो 80, राइट. लेस देन में लाइन को टच नहीं करते पर उससे थोड़ा एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, नोट करिए.